इस इमेज को देखे। देखने में आपको लगता होगा कि यह कोई किसी गरीब देश की झोपड़पट्टी होगी, लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह झोपड़पट्टी अमेरिका की है, जो 1929 की महामंदी के दौरान बनी थी। और अमेरिका में जगह जगह पर ऐसी झोपड़पट्टियां बनी थी, क्योंकि दुनिया के साथ साथ अमेरिकी लोगों को भी अपने घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ बेचना पड़ा था। फिर भी इन लोगों की ऐसी हालत हो गई थी। अब इस इमेज को देखें। इस महामंदी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन अमेरिका की हालत थोड़ी ज्यादा गंभीर थी। लोगों के पास ना कोई काम धंधा था, ना पैसे थे, ना रहने के लिए घर था, और ना ही पेट भरने के लिए खाना। ज्यादातर अमेरिकी लोग बेघर हो चुके थे, जो दिन में मुफ्त का खाना खोजते थे इस तरह लंबी लंबी लाइनों में लगकर, और रात में न्यूज़पेपर ओढ़कर इस तरह से सो जाते थे। यानी द ग्रेट डिप्रेशन या 1929 की महामंदी आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी और सबसे गंभीर आर्थिक मंदी मानी जाती है, जो 1929 के अंत से लेकर 1939 तक चली थी, यानी पूरे 10 साल तक, और जिसने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन और उसकी कीमतें कम हो गई थी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और हजारों बैंक दिवालिया हो गया, गरीबी ऐसे फैल रही थी जैसे हवा फैल रही हो, क्योंकि इस महामंदी ने लोगों की ऐसी हालत की थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसी मंदी ना पहले कभी आई थी और ना ही इसके बाद कभी देखी गई है। तो आज के इस वीडियो में उस समय की ओरिजिनल तस्वीरें और मैप के जरिए मैं आपको द ग्रेट डिप्रेशन यानी 1929 की महामंदी का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि द ग्रेट डिप्रेशन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे, कब और क्यों हुई थी, द ग्रेट डिप्रेशन आने के क्या क्या अलग अलग कारण थे, द ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया था, किन किन देशों में इसका असर ज्यादा हुआ था, फिर दुनिया कैसे इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकली, और कैसे इस महामंदी ने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया था, इस महामंदी के बाद दुनिया में क्या क्या परिवर्तन आए, और आखिर में हमारे भारत पर इस ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर हुआ था, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो यह महामंदी वैसे तो साल 1929 में शुरू हुई थी, लेकिन साल 1929 से पहले दुनिया में बहुत सी घटनाएं घटी थी, जिन घटनाओं का परिणाम साल 1929 में देखने को मिला था। तो कौन सी घटनाएं थी वो, इस मैप को देखें। यहां पर है ग्रेट ब्रिटेन, जिसका एक समय पर लगभग आधी दुनिया पर शासन था। इस मैप में ये जितने भी देश लाल कलर में है वो सब अंग्रेजों के गुलाम देश थे, क्योंकि साल 1910 में ग्रेट ब्रिटेन ही इस दुनिया की महाशक्ति यानी सुपर पावर था, और उस समय ग्रेट ब्रिटेन ही दुनिया को ज्यादातर तैयार माल बनाकर बेचता था। लेकिन फिर साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ इस यूरोप में, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल हुआ। तो 1914 के बाद ग्रेट ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध लड़ने में बिजी था, जिस कारण इनकी इकोनॉमी धीमी पड़ गई, और दूसरी ओर पूरा यूरोप और ब्रिटिश शासित सभी देश इस युद्ध में कूद पड़े थे। तो युद्ध में खाने पीने की चीजें, माल सामान और हथियारों की जरूरत थी उस समय यूरोप को। तो इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका ने अपने ही देश में सभी खाने पीने की चीजें, माल सामान और हथियार बना बनाकर यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे अमेरिका अमीर बनने लगा। क्योंकि इस युद्ध से पहले यानी साल 1913 में अमेरिका का टोटल एक्सपोर्ट 2.4 बिलियन का था, जो 1917 में 6.2 बिलियन का हो गया था, यानी करीब करीब 3 गुना ज्यादा। और जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तब लगभग पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। वैसे इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, ये वाला, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रथम विश्व युद्ध का पूरा इतिहास कवर किया है। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की महाशक्ति जो ग्रेट ब्रिटेन था, वो महाशक्ति अब अमेरिका बनने लगा था, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने खूब पैसे कमाए। और इस युद्ध के बाद यूरोप के जो जो देश तबाह हो गए थे, उन देशों को अमेरिका ने लोन देना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद यूरोप के ज्यादातर देश अब अमेरिका पर निर्भर होने लगे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल थे। तो यह समय था साल 1920 का, जब अमेरिका अपने इतिहास के सबसे अच्छे दौर में पहुंच चुका था, क्योंकि 1920 के बाद अमेरिका में हर चीज का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, रोजगार की कोई कमी नहीं थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां खुलने लगी। और यह सब देखकर पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े और अमीर लोग थे, वे भी अमेरिका में निवेश करने आ गए, क्योंकि अमेरिका में जैसा विकास हो रहा था वैसा दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा था। इस कारण दुनिया भर का निवेश अब अमेरिका में आना शुरू हो गया,
जिसके बाद शुरू हुआ रोरिंग ट्वेंटीज का दौर, जो 1929 की महामंदी का पहला कारण था। तो इस महामंदी के आने से पहले दुनिया में क्या माहौल था, पहले इसे समझ लेते हैं ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो कई अलग अलग कारण थे इस 1929 की महामंदी के लिए, हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहला कारण था द रोरिंग ट्वेंटीज। 1920 का जो दशक था उस दशक को रोरिंग ट्वेंटीज कहते हैं, क्योंकि इस दशक में अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप ने जबरदस्त विकास करना शुरू किया, लेकिन अमेरिका सबसे आगे था, क्योंकि 1920 के दशक में अमेरिका के अर्थव्यवस्था में 42% की वृद्धि हुई थी और दुनिया के टोटल उत्पादन में आधा उत्पादन अकेला अमेरिका करने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। इस कारण 1920 के दशक में घर और बिल्डिंगों का निर्माण लगभग दोगुना हो गया। 1920 में टोटल निर्माण $6.7 बिलियन का हुआ था, जो साल 1926 में $12 बिलियन तक पहुंच गया था, और 1920 से पहले बेरोजगारी कुछ 11.7% तक थी, लेकिन 1920 के दशक में ये बेरोजगारी सिर्फ 4% ही रह गई थी, यानी लगभग सभी लोगों के पास रोजगार था, सबके जेब में पैसे आ रहे थे, जिन पैसे से वे लोग सभी चीजें खरीद रहे थे। इस कारण बाजार में हर चीज की मांग उठने लगी, जैसे वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर और रेडियो जैसी चीजों की मांग बढ़ने लगी। अब मांग बढ़ी तो इनका उत्पादन भी बढ़ने लगा, और इसी दशक में अमेरिका में 60 अलग अलग प्रकार के रेडियो स्टेशन शुरू हुए, जिसमें संगीत, न्यूज, मौसम सब कुछ प्रसारित किया जाता था। इस कारण अमेरिका के 60% घरों में रेडियो आ गया था। इसी दशक में पहली बार महिलाओं को मतदान करने की अनुमति मिली। पहली बार आम लोगों के लिए हवाई यात्रा भी शुरू की गई। इससे पहले विमान में उड़ने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 6,000 थी, जो इस दशक में बढ़कर 1,73,000 हो गई थी। इस कारण हवाई जहाज के विकास को तेज कर दिया गया, जिससे कई शहरों में एयरपोर्ट बनने भी शुरू हुए, और हेनरी फोर्ड का मॉडल टी जो आया था ये वाला, इसकी कीमत उस दौर में कुछ $300 थी। फिर भी इस कार की बहुत बड़ी मांग आई थी अमेरिकी मार्केट में, क्योंकि 1920 के दशक के अंत तक कुछ 2,30,00,000 कार बेची गई थी अमेरिका में, और लगभग अमेरिका के 25% घरों में ये कार खरीदी गई थी। यानी अमेरिका में ऑटो उद्योग का भी बहुत विस्तार हुआ, और इसी ऑटो उद्योग के विस्तार के कारण अमेरिका में नए नए रोड, ब्रिज और ट्रैफिक लाइटों के निर्माण के लिए सरकारों ने $अरबों खर्च किए, जिसके बाद पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और रेस्तरा सर्विस का भी काफी विकास हुआ, और कार की खरीदी बढ़ने से कई बीमा कंपनियां खुली, कार पर लोन देने के लिए कई नए नए बैंक खुले अमेरिका में। यानी कुल मिलाकर अमेरिका अपने सबसे अच्छे दौर में पहुंच चुका था, क्योंकि बाजार में हर चीज की मांग थी और हर चीज का उत्पादन भी अमेरिका में जोरों से हो रहा था। बाजारों और गोडाउन में तैयार माल का स्टॉक किया जा रहा था, क्योंकि चीजों की मांग बढ़ती ही जा रही थी। कहते हैं कि इस दशक में अमेरिका की समृद्धि लगभग डबल हो गई थी। इस कारण अमेरिका ने यूरोप के तबाह हो चुके देशों को फिर से लोन देना शुरू कर दिया, जिस कारण अमेरिका की तरह यूरोप में भी विकास होना शुरू हो गया था। यानी इस दशक में प्रौद्योगिकी, समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन, घर घर बिजली का पहुंचना, परिवहन का विकास, संचार, व्यक्तिगत सौंदर्य, हाउसकीपिंग, मनोरंजन और कई अन्य क्षेत्रों में एक तरीके से क्रांति आ गई थी। इसी कारण तो दुनिया में 1920 के दशक को आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं, और ये जो बूम आया था अमेरिका और बाकी देशों में 1920 से लेकर 1929 तक, इसे ही रोरिंग ट्वेंटीज कहते हैं। लेकिन गुब्बारे में आप कितनी भी हवा भरो, उसकी भी एक लिमिट होती है। एक न एक दिन ये फूटने वाला था, यानी 1929 में। आगे विस्तार से जानेंगे। दूसरा कारण था ओवर प्रोडक्शन। इस मैप को देखें, रूस का ये वाला भाग और यूरोप में जो जो पीले रंग में है, उस सारी जमीन पर बड़ी तादाद में अनाज की खेती होती थी प्रथम विश्व युद्ध के पहले, लेकिन युद्ध के दौरान यहाँ की खेती रुक गई थी। इस कारण अनाज की मांग बहुत बढ़ गई थी युद्ध के दौरान, तो इसीलिए दुनिया के कई देशों में किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह के कदम उठाए। खासकर लैटिन अमेरिकी देश और अमेरिका के कई किसानों ने महंगी महंगी मशीनरी खरीदी, कईयों ने जमीन खरीदी, कईयों ने भाड़े पर जमीन ली, जो एक महंगा कदम था। यानी एक तरह से कई किसान अपना कर्ज बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अनाज की बहुत मांग है दुनिया भर में, तो हम बहुत सारा अनाज पैदा करके अपना कर्ज चुका देंगे और इससे मुनाफा भी कमा लेंगे। लेकिन 1918 में युद्ध के खत्म होने के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती गई, पर किसानों का उत्पादन कम नहीं हुआ। इस कारण जो अनाज पैदा हो रहा था, धीरे धीरे उसकी कीमतें गिरती जा रही थी।
क्योंकि खरीदने वाले अब कम हो गए थे और जो खरीदने आते भी थे वो बहुत सस्ती कीमत में खरीद रहे थे। इस कारण किसान जो उत्पादन कर रहा था अब वो किसान अपना उत्पादन बढ़ाने में लग गया। यानी मान लो कोई किसान एक साल में 10 टन अनाज का उत्पादन कर रहा था तो अब वो किसान 20 टन अनाज का उत्पादन करने लगा, ताकि कीमत भले कम मिले पर उत्पादन डबल होगा तो हमें एवरेज मुनाफा मिल ही जाएगा। लेकिन यह ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं था। 1929 के बाद यह गुब्बारा भी फटने वाला था। तीसरा कारण था अमेरिकी शेयर बाजार। इस इमेज को देखें, यह है अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट। तो जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में युद्ध में शामिल हुआ तब अमेरिका में 4 महीने के लिए शेयर बाजार को बंद कर दिया गया था। फिर युद्ध के बाद धीरे धीरे शेयर बाजार को शुरू किया गया और 1920 के बाद यानी रोरिंग ट्वेंटीज के दौर में अमेरिका में लगभग हर बड़ी बड़ी कंपनी तेजी से विकसित हो रही थी। इस कारण इनके शेयर के दाम भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगे थे। अब शेयर की कीमत बढ़ रही थी तो इनमें जिन लोगों ने निवेश किया था उन्हें रिटर्न भी अच्छा मिल रहा था। वैसे शुरुआत में तो सिर्फ बड़े बड़े और अमीर लोग ही शेयर बाजार में निवेश करते थे, लेकिन रोरिंग ट्वेंटीज के कारण आम लोगों के पास भी पैसे आ गए थे, तो उनमें से भी कई आम लोग धीरे धीरे शेयर बाजार में निवेश करने लगे और उन्हें भी अच्छा रिटर्न मिलने लगा। लेकिन आज मौजूदा समय में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जैसे नियम कानून दुनिया भर की सरकारों द्वारा बनाया गया है, वैसे नियम कानून उस समय में नहीं थे। यानी शेयर बाजार पर अमेरिकी सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं था, फिर भी सब कुछ ठीक से चल रहा था। इस ग्राफ को देखें, यह अमेरिकी शेयर बाजार का ग्राफ है। यहाँ 1920 से यह मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुआ जो चढ़ता ही गया 1929 तक। यानी 1920 के बाद जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए थे उन सबको मुनाफा ही मिल रहा था। इस कारण छोटे छोटे सभी लोग इसमें पैसे डालने लगे और लोग अपनी चीजें बेचकर भी इसमें पैसे लगाते थे। लोग अपने घरों को गिरवी रखकर इसमें पैसे लगाते थे क्योंकि हर साल पैसे डबल हो रहे थे, इस ग्राफ में आप देख ही सकते हैं। लेकिन कोई भी मार्केट हो दुनिया का, कभी ना कभी तो उसे नीचे आना ही था, जो 1929 में एक झटके में नीचे आता है। अब वो धड़ाम से क्यों नीचे आया था वो सब आगे जानेंगे। अगला कारण था अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम। आजकल हम जो EMI भरते हैं बैंकों को, असल में इसकी शुरुआत अमेरिका में ही हुई थी। 1920 से पहले अमेरिका में कुछ गिने चुने ही बैंक हुआ करते थे, लेकिन रोरिंग ट्वेंटीज के दौरान जगह जगह पर बैंक खुलने लगे और 1929 आते आते अमेरिका में टोटल 17,583 स्टेट बैंक थे और 8,150 नेशनल बैंक बन चुके थे। यानी कुल 25,000 से भी ज्यादा बैंक थे उस समय अमेरिका में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह थी कि इन बैंकों में कोई नियम कानून नहीं थे। अमेरिकी सरकार ने इन बैंकों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए थे। यानी सब कुछ राम भरोसे चल रहा था। जिन लोगों के पास पैसे थे वे लोग अपने पैसे बैंकों में जमा करवाते थे और जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वह बैंक से लोन ले रहे थे। यानी बैंकों को लोगों पर विश्वास था और लोगों को बैंकों पर विश्वास था। तो अब अमेरिका में एकाएक इतनी सारी बैंकें क्यों खुलने लगी थी? क्योंकि इसी दौर में अमेरिका में EMI की शुरुआत हुई थी। जिन लोगों को घर खरीदना था या कार खरीदनी थी उन्हें बैंक लोन दे रहा था। इसके अलावा लोग जो वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसी चीजें खरीदते थे वो भी अब EMI पर मिलने लगी थी। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे और वे लोग शेयर बाजार में पैसे निवेश करना चाहते थे तो उन्हें भी बैंक लोन दे रही थी। आज के समय में अगर आपको शेयर बाजार में पैसे निवेश करने हैं तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था। आपके पास पूरे कागज हो या आधे अधूरे, आपको बस बैंक में जाकर बोलना था कि मुझे लोन चाहिए और बैंक तुरंत लोन दे देती थी। इसके अलावा कुछ स्टॉक ब्रोकर भी लोगों को लोन दे रहे थे कि ये लो पैसे, अब शेयर बाजार में निवेश करो। तो कई लोग इन स्टॉक ब्रोकरों से भी लोन ले रहे थे, लेकिन बिना कोई नियम कानून यानी सिर्फ विश्वास पर बैंकों का काम कब तक चलेगा? 1929 तक। अगला कारण था गोल्ड की कमी। क्योंकि दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस महामंदी का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में गोल्ड की कमी थी। असल में युद्ध के दौरान अमेरिका ने हथियार बेचकर काफी मुनाफा कमाया था और यूरोपीय देशों को काफी कर्ज भी दिया था। अब जिन देशों को कर्ज दिया गया था उन देशों को कर्ज के बदले अमेरिका में अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ता था। यानी धीरे धीरे दुनिया का 60% गोल्ड अमेरिका में जमा हो गया था। इससे दुनिया में गोल्ड की कमी हो गई। अब गोल्ड की इस कमी से दुनिया के अलग अलग देशों में गोल्ड की कीमतें भी बढ़ गई और सामने दूसरी ओर उनकी चीजों की कीमतें गिर गई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर घातक प्रभाव पड़ा। और चीन और भारत जैसे देशों को जहां सिक्के का आधार गोल्ड की जगह सिल्वर यानी चांदी था, उन देशों की खरीदने की ताकत काफी कम हो गई थी। यानी
सारी कठिनाई की जड़ दुनिया में हुई गोल्ड की कमी ही थी। अगला कारण था आत्मनिर्भर अभियान, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों ने आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाया ताकि सभी देश अपना अपना खुद का विकास कर सके। यानी इस नीति के पीछे सभी देशों का मूल अपनी अपनी आर्थिक तरक्की करना था, लेकिन इसके लिए इन सभी देशों ने जो कदम उठाए वे बहुत ही स्वार्थ से भरे थे। जैसे कई देशों ने अपने देश में बाहरी देशों से आने वाले माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और विदेशों से आयात माल की मात्रा निश्चित कर दी कि इससे ज्यादा माल बाहर से मंगवाना गैरकानूनी होगा, और विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर जोर दिया गया। यानी सभी देशों के द्वारा अपने निजी फायदे के लिए आर्थिक पक्षपात की नीति अपनाई गई। जैसा आज दुनिया में एकमात्र देश नॉर्थ कोरिया करता है, कुछ वैसा ही उस दौर में भी हुआ था, जो एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि इसका नतीजा भी बहुत बुरा होने वाला था, बस समय आने की देरी थी, यानी 1929 के आने की। अगला कारण था फेडरल रिजर्व। SMS को देखें, यह है अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, जो पूरे अमेरिका का फाइनेंस संभालते थे उस दौर में भी। जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI है, वैसे ही अमेरिका के लिए फेडरल रिजर्व है। तो जब रोरिंग 20s का दौर चल रहा था अमेरिका में, तब फेडरल रिजर्व को ना ये पता था कि मार्केट में इतना बूम कैसे आया है, और ना ही इसे फेडरल रिजर्व ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि फेडरल रिजर्व की स्थापना 1913 में ही हुई थी, यानी ज्यादा अनुभव था नहीं इसे। इस कारण तो रोरिंग 20s के दौर में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को बढ़ाने की जगह पर ब्याज दर को कम कर दिया ताकि लोग और ज्यादा लोन लें, जिससे मार्केट में बूम की जगह पर महाबूम देखने को मिले। अब फेडरल रिजर्व ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि लोग जो तरह तरह के लोन ले रहे थे, क्या वे इस लोन की भरपाई भी कर देंगे? अगर लोगों ने लोन की भरपाई नहीं करी तो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा? ऐसी बातों पर फेडरल रिजर्व ने उस समय ध्यान ही नहीं दिया। इस कारण फेडरल रिजर्व जैसे जैसे ब्याज दर कम करती गई, वैसे वैसे लोगों ने लोन लेना बढ़ा दिया, जो आगे 1929 में फेडरल रिजर्व के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई। अगला और आखिरी कारण था लजिज फेयर कैपिटलिज्म। तो रोरिंग 20s के दौर में अमेरिका में रिपब्लिकन की सरकार थी। 1921 से लेकर 1923 तक ऑरेंज जी हार्डिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, या उनकी इमेज है, जो रिपब्लिकन पार्टी से थे। फिर 1923 से लेकर 1929 तक काल्विन कोलिज अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, या उनकी इमेज है, ये भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। और फिर 1929 से लेकर 1933 तक हर्बर्ट हूवर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, या उनकी इमेज है, ये भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। तो उस समय रिपब्लिकन पार्टी ने लजिज फेयर कैपिटलिज्म की पॉलिसी अपनाई थी। तो इस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज पर अमेरिकी सरकार के कम से कम नियम हो। यानी इस रिपब्लिकन अमेरिकी सरकार का मानना था कि किसी भी चीज पर अमेरिकी सरकार का हस्तक्षेप ना होना देश के लिए अच्छा होता है। इस कारण अमेरिकी बैंकों पर, खासकर फेडरल रिजर्व पर और बाकी प्राइवेट बैंकों पर सरकार का ना के बराबर हस्तक्षेप था। बैंकों के लिए सरकार ने कोई नियम कानून बनाए ही नहीं थे कि किन लोगों को लोन मिलेगी, कितनी मिलेगी, अगर वो लोन ना भरे तो उसके साथ क्या होगा, और जिन लोगों ने जो अपनी सेविंग बैंक में जमा कर रखी थी, अगर वो बैंक दिवालिया हो जाए तो उन लोगों को अपनी सेविंग वापस मिलेगी या नहीं, ऐसे कोई नियम कानून सरकार ने नहीं बनाए थे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिकी शेयर बाजार पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योग पर भी सरकार के कोई भी नियम नहीं थे, यानी सब कुछ राम भरोसे चल रहा था, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का ऐसा मानना था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसे ऐसे ही चलने दो। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? नियम कानून के बगैर किसी भी देश को चलाना नामुमकिन है, पर अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ महामंदी के दौर में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कुछ ऐसा माहौल था 1929 यानी महामंदी से पहले अमेरिका और बाकी दुनिया में। और रोरिंग 20s दिखने में जितना सुनहरा लगता था वैसा था नहीं, क्योंकि 1920 में अमेरिका में टोटल 12,000 जितनी अलग अलग कंपनियां और फैक्ट्रियां थी। लेकिन 1929 आते आते अमेरिका के कुछ संत बड़े बड़े लोगों ने इन सभी को खरीद लिया, और 1929 में अमेरिका में सिर्फ 200 कंपनियां ही बड़ी थी जो पूरे अमेरिका का आधा उत्पादन करती थी। इस कारण 1929 में सिर्फ 1% अमीर अमेरिकन लोगों के पास अमेरिका के 40% संपत्ति आ गई थी। इसके अलावा अमेरिकन सरकार रोरिंग 20s के दौर में टैक्स की दर लगातार कम करती गई। शुरू में जो टैक्स 75% थे वो 1929 आते आते महज 25% रह गए थे। तो ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं महामंदी से पहले हुई थी,
और यहाँ पर हमने ज्यादातर अमेरिका की ही बात की क्योंकि इस महामंदी की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। तो कैसे इस महामंदी की शुरुआत हुई थी? तो मार्च 1929 में हर्बर्ट होवर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो ये जब प्रेसिडेंट बने तब तक अमेरिका में सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रोरिंग ट्वेंटीज कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन कुछ समझदार लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ी नजर आने लगी थी। जैसे इस इमेज को देखें, यह है पॉल वॉलबर्ग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन थे। तो इन्होंने 8 मार्च 1929 के दिन सरकार को आगाह किया कि अमेरिकी शेयर बाजार अब एक सट्टा बाजार बनता जा रहा है। इसे लेकर सरकार को जल्दी से नियम कानून बनाने की जरूरत है क्योंकि शेयर बाजार के ऑपरेटर जो वॉल स्ट्रीट में बैठते थे वे ऑपरेटर किसी एक शेयर में बहुत ज्यादा निवेश करके उसकी कीमत डबल करवा देते थे। फिर वे एक साथ सभी शेयर को बेचकर उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम करवा देते थे जिससे ऑपरेटरों को डबल मुनाफा होता था और बाकी आम निवेशकों को डबल नुकसान होता था। जैसा हमारे भारत में हर्षद मेहता ने किया था वैसा ही कुछ समझे आप। लेकिन अमेरिकन सरकार ने पॉल वॉलबर्ग की इस वार्निंग को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया मार्च 1929 में और शेयर बाजार जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया बिना नियम कानून के। लेकिन जो बात पॉल वॉलबर्ग ने बताई थी उसी बात का अंदाजा एक दो महीने बाद फेडरल रिजर्व को भी हो गया। इस कारण इस बार फेडरल रिजर्व ने भी यह वार्निंग दी कि कुछ ऑपरेटर शेयर बाजार में सट्टा खेल रहे हैं। अब यह वार्निंग फेडरल रिजर्व ने दी थी इस कारण कई लोग अपने अपने शेयर बेचने लगे जिससे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरने लगा। लेकिन तभी अमेरिका के नेशनल बैंक ने एक साथ $25 मिलियन का निवेश किया शेयर मार्केट में जिससे शेयर मार्केट वापस ऊपर उठने लगा और लोगों ने फिर से इसमें निवेश करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भी अमेरिकन सरकार और लोगों को यह समझ नहीं आया कि शेयर बाजार में बैंकों का, ऑपरेटरों का, शेयर ब्रोकरों का और स्कैम करने वालों का मेलजोल था और ये मेलजोल करने वाले कभी भी मार्केट को ऊपर या नीचे की तरफ ले जाते थे। तो एक तो ये मुसीबत थी अमेरिका के लिए। तभी जून 1929 में अमेरिका पर दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। रोरिंग ट्वेंटीज के दौर में अमेरिकन लोगों की कमाई काफी बढ़ गई थी इस कारण सब कुछ बूम कर रहा था। लेकिन जून 1929 आते आते लोगों की कमाई अब रुक सी गई थी यानी वे जितना कमा रहे थे उसमें अब बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और ऊपर से तभी फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दर भी बढ़ा दिया। पहले ब्याज दर 4% था जो जून 1929 में सीधा 6% कर दिया गया जिसका असर यह हुआ कि अब लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया। अब लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब लोगों ने चीजें खरीदनी बंद कर दी जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों का माल बिकना बंद हो गया। इस कारण अब उन कंपनियों का मुनाफा भी कम होने लगा। यानी जैसे ही लोगों की कमाई रुकी वैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी भी रुक गई क्योंकि ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई थी। और तभी अमेरिका के ऊपर एक और मुसीबत टूट पड़ी। जुलाई 1929 में शेयर मार्केट में जो कमोडिटी की कैटेगरी होती है उसकी कीमतें गिरने लगी क्योंकि जैसा शुरू में हमने जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसान अब डबल उत्पादन करने लगे थे अनाज का। पर जुलाई 1929 तक में अनाज का उत्पादन लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया। इस कारण अनाज की कीमतें और गिर गई जिससे अमेरिकी किसानों को काफी नुकसान होना शुरू हो गया था। इस कारण शेयर बाजार में कमोडिटी की कीमतें गिरने लगी थी। तो यह सब देखकर स्टॉक ब्रोकरों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब शेयर की कीमत भी कभी भी गिर सकती है। इस कारण इन स्टॉक ब्रोकरों ने जिन आम लोगों को लोन दिया था शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अगर शेयर बाजार गिरा तो स्टॉक ब्रोकरों को उनकी लोन वापस नहीं मिलने वाली थी। इस कारण स्टॉक ब्रोकरों ने लोन लेने वाले निवेशकों को बुलाकर उन्हें समझाया कि अब हमारा पैसा रिस्क पर है तो आप अभी अपना शेयर बेच दीजिए ताकि हमारी लोन की भरपाई कर सके आप। तो इन लोगों ने धीरे धीरे अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। अब लोगों ने अपने शेयर बेचने शुरू किए तो शेयर बाजार धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ अक्टूबर की शुरुआत में। अब उस दौर में आज की तरह कंप्यूटर तो थे नहीं, लोगों को वॉल स्ट्रीट जाकर अपने शेयर बेचने पड़ते थे जो कागजों के प्रिंटिंग के जरिए होता था। इस कारण यह गिरावट बहुत धीमे धीमे हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे बाकी अमेरिकन लोगों को भी इसकी भनक होने लगी थी कि बहुत से लोग अपने शेयर बेचने लगे हैं। इस कारण 22 अक्टूबर 1929 के दिन शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आई। इससे पहले डाव नाम का एक शेयर जो 361 पॉइंट पर था लेकिन 22 अक्टूबर के दिन यह सीधा ही 326 पॉइंट पर आ गया और बाकी शेयर में भी इसी तरह की गिरावट आई। फिर अगले दिन 23 अक्टूबर को डाव 306 पॉइंट पर आ गया यानी अब शेयर बाजार गिरना शुरू हो गया था। इस बात का अंदाजा पूरे अमेरिका को हो चुका था
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 24 अक्टूबर को जैसे ही शेयर बाजार खुला सीधा 11% नीचे गिरा। इस कारण 24 अक्टूबर के दिन अमेरिका में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सारा काम छोड़कर वॉल स्ट्रीट की तरफ भागने लगे और अपने शेयर बेचने के लिए हड़बड़ी करने लगे, क्योंकि अब तक ये खबर महामारी की तरह पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी कि शेयर बाजार नीचे गिरना शुरू हो गया है। क्योंकि आमतौर पर एक दिन में 11% मार्केट कभी नहीं गिरता, ऐसी घटनाएं इतिहास में कभी कभार ही देखने को मिलती है और ये अमेरिकी शेयर बाजार में एक रिकॉर्ड गिरावट थी। यह उस समय का न्यूज़पेपर है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यानी अब वॉल स्ट्रीट पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन कागजी प्रिंटिंग करने में समय लगता है, इस कारण लोग उतावले हो रहे थे अपने अपने शेयर बेचने के लिए। इस कारण अमेरिका के बाकी एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क एक्सचेंज और बफेलो एक्सचेंज को तो इस दिन बंद ही कर देना पड़ा था, इतनी हड़बड़ी मची थी अमेरिका में। इसी कारण तो इस दिन को अमेरिकी इतिहास में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह इतनी बड़ी हड़बड़ी देखकर अमेरिका के बैंकर्स की एक अर्जेंट मीटिंग हुई इसी दिन, क्योंकि बैंकर्स नहीं चाहते थे कि शेयर बाजार नीचे गिरे, क्योंकि इन बैंकरों ने अरबों खरबों डॉलर की लोन दे रखी थी लोगों को। ऐसे में अगर शेयर बाजार गिरा तो इन बैंकों को उनकी लोन वापस मिलने मुश्किल थी। इस कारण इन बैंकर्स ने $250 मिलियन का एक फंड इकट्ठा किया और शेयर बाजार में निवेश कर दिया इसी दिन। इसके अलावा उस समय अमेरिका में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी कई मिलियन शेयर बाजार में डाले, क्योंकि इनकी कंपनी के शेयर भी नीचे गिर रहे थे। तो इतना सारा निवेश आने के कारण 25 और 26 अक्टूबर को शेयर बाजार फिर से थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। लेकिन अब लोग डरे हुए थे कि कहीं शेयर बाजार फिर से नीचे गिरा तो हमें मुनाफे की जगह नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह होगा कि हम अपने शेयर अभी के लिए बेच दें और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वापस निवेश करेंगे। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर भी लोगों को यही कह रहे थे कि आप अपने शेयर बेचकर हमारी लोन चुका दो, वरना आपका और हमारा दोनों का पैसा ब्लॉक हो सकता है। इस कारण 28 अक्टूबर के दिन शेयर बाजार 13% नीचे गिरा, यानी अमेरिका में फिर से अफरा तफरी शुरू हो गई। और बदकिस्मती से इस दिन कोई भी बैंकर्स या बिजनेसमैन शेयर बाजार को बचाने नहीं आया। इस कारण अगले दिन यानी 29 अक्टूबर यानी ट्यूजडे के दिन पूरे अमेरिका में $16 मिलियन से भी ज्यादा के शेयर लोगों ने बेच दिए और डाउ सीधा 212 पॉइंट पर आ गिरा। और इसके अलावा ऐसे जो बड़े बड़े 240 शेयर थे उनमें भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये बड़े बड़े 240 शेयर जो थे उसमें सिर्फ 29 अक्टूबर के दिन अमेरिकी लोगों को $16 बिलियन का नुकसान हुआ। और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, क्योंकि उस समय पूरे अमेरिका में टोटल $48 बिलियन थे, जिसमें से एक दिन में $16 बिलियन का नुकसान। इस कारण तो इसी दिन को ब्लैक ट्यूजडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड था अमेरिकी शेयर बाजार में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट का। तो यह सब देखकर फेडरल रिजर्व ने जो ब्याज दर 6% कर रखा था उसे धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, ताकि लोग फिर से लोन लें, जिससे वे बाजार में चीजें खरीदेंगे या शेयर बाजार में निवेश करेंगे, जिससे कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब यह कोशिश अच्छी थी, इससे अमेरिकन इकोनॉमी फिर से पटरी पर आना भी शुरू हो गई। लेकिन जो असली समस्या थी शेयर बाजार, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम और बिजनेस में नियम कानून बनाने की, उस पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यानी अमेरिकन सरकार की जो लजीज फेयर कैपिटलिज्म की नीति थी, असली बदलाव इस नीति में करने की जरूरत थी, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं आ रहा था। फिर भी ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो चुका था। लेकिन अक्टूबर और नवंबर 1929 के 2 महीने की अवधि के दौरान अमेरिका का उत्पादन 20% कम हो गया था। इस कारण चीजों की होलसेल कीमत 7.5% गिर गई और लोगों की आमदनी में भी 5% की गिरावट आ गई थी। और स्टॉक ब्रोकरों को अब डर लगने लगा कि कहीं अक्टूबर जैसे हालात फिर से पैदा हुए तो हमने लोगों को जो लोन दे रखा है और लोन हमें वापस नहीं मिलेगा। तो इस डर के कारण बैंकों ने और स्टॉक ब्रोकरों ने लोगों से लोन वापस मांगने शुरू कर दिया कि अब कुछ भी हो जाए, बस आप हमारा लोन वापस करो जल्द से जल्द। तो लोगों ने इनके लोन वापस करने के लिए अपने अपने शेयर फिर से बेचने शुरू कर दिए। अब शेयर की बिक्री बढ़ने लगी तो उसकी कीमतें भी कम होने लगी। अब सभी शेयर की कीमत गिरी तो बाकी लोगों ने भी अपने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। इस कारण कीमतें और गिरने लगी, जिसके बाद अमेरिका में फिर से हड़बड़ी शुरू हो गई। अब माहौल को इतना गर्म देखकर अमेरिकन बैंकों ने लोगों पर और दबाव डालना शुरू कर दिया कि जल्द से जल्द लोन वापस करो हमारी। लेकिन शेयर की कीमतें नीचे आने के कारण लोगों को मुनाफे की जगह नुकसान हो रहा था, इसलिए थोड़े बहुत लोगों ने तो लोन वापस किया बैंकों को, लेकिन ज्यादातर लोग
अपने लोन वापस नहीं कर पाए। इस कारण अब कई बैंकों के लोन डिफॉल्ट होने लगे, यानी बैंकों ने जितनी लोन लोगों को दे रखी थी वो बैंकों को वापस नहीं मिली। इस कारण अब सभी बैंक धीरे धीरे घाटे में जाने लगे। तो यह सब देखकर जिन लोगों ने बैंकों में अपनी सेविंग जमा कर रखी थी वे लोग अब बैंकों में आकर अपनी अपनी सेविंग निकालने लगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं इतनी भीड़ अब अमेरिका के सभी बैंकों में जमा होने लगी। लेकिन बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा था नहीं, इसीलिए तो कई लोगों को अपनी सेविंग भी वापस नहीं मिली। यानी एक तरीके से लोन लेने वाले और लोन देने वाले तो कंगाल हो ही गए थे, लेकिन जिनके पैसे बैंक में जमा थे वे लोग भी कंगाल हो गए। यानी अमेरिका में अब ज्यादातर लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। तो कुछ ऐसा हाल था 1929 के अंत में अमेरिका का, और यहीं से यह पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हुई। लेकिन कैसे? तो अमेरिकन बैंकों के पास पैसा था नहीं, इस कारण अमेरिका ने जो लोन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को दी थी और लोन अमेरिका ने यूरोप से वापस मांगनी शुरू कर दी कि अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो आप हमारी लोन वापस करो। लेकिन ये यूरोपीय देश अभी युद्ध की तबाही से बाहर भी नहीं आए थे और इन्हें तो और लोन की जरूरत थी। यानी यूरोपीय देशों ने लोन के सारे पैसे अपने अपने देश में निवेश कर दिए थे, इस कारण ये भी अमेरिका को लोन चुकाने में असफल हो गया। तो इसके बाद अमेरिका की हालत और खराब होने लगी। लेकिन सामने यूरोपीय देशों की हालत अमेरिका से भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, और इन सब में इस जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का सारा युद्ध अपराध जर्मनी पर थोपा गया था। वर्षा की संधि आपको याद ही होगी, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो आप मेरा वर्ल्ड वॉर टू का ये वाला वीडियो और हिटलर के उदय वाला ये वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो में जर्मनी की जो हालत हुई थी उसके बारे में विस्तार से बताया है। अब इस मैप को देखें, ये अमेरिका है जिसने इन यूरोपीय देशों को लोन दी थी। अब यह पिंक कलर में ब्रिटेन है, और इस मैप में दुनिया के जितने देश पिंक कलर में है वे ब्रिटेन के गुलाम थे। ये ब्लू कलर में फ्रांस है, तो जो ब्लू कलर में दुनिया के देश है वो फ्रांस के गुलाम थे। रेड कलर में जो देश है वे इटली के गुलाम थे। यानी कुल मिलाकर उस समय आधी दुनिया लगभग यूरोपीय देशों के गुलाम थे। तो अमेरिका की जो हालत हुई उसका असर यूरोपीय देशों पर हुआ, और यूरोपीय देशों की जो हालत हुई उसका असर इनके गुलाम देशों पर भी शुरू हो गया था, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले लोन के बंद होने के बाद यूरोपीय देशों को दोहरा संकट झेलना पड़ा। एक तो उनका पुनर्निर्माण का काम थम गया, और दूसरा यूरोप में बनने वाले वस्तुओं की कीमत में भी भारी कमी आ जाने से इनका व्यापार भी कम हो गया। और जब इन यूरोपीय देशों ने अमेरिका से लोन ली थी रोरिंग ट्वेंटीज के दौर में, तब इन्होंने अपना ज्यादातर गोल्ड अमेरिका में गिरवी रखा था। तो अब इन देशों में गोल्ड की कमी के कारण इनके करेंसी भी टूटने लगी, जिससे यूरोपीय देशों की परिस्थिति और विकट बन गई थी। और ऊपर से 17 जून 1930 में अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को, यानी अपने किसानों और फैक्ट्रियों को बचाने के लिए स्मूट हावले टैरिफ कानून पास किया। तो ये कानून क्या था? अमेरिका ने बाहरी देशों से जो सामान अमेरिका में आता था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि बाहरी देशों से कोई भी माल सामान या अनाज अमेरिका में ना आ पाए, जिससे अमेरिका में उनके किसान और उनके फैक्ट्रियों में बना सामान ही बिके। लेकिन अमेरिका ने अपना सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा। पर हुआ ये कि इसके बाद बाकी देशों ने भी अपनी अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, क्योंकि आखिर में तो सभी देशों को अपनी इकोनॉमी बचानी थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया का व्यापार इससे ठप पड़ गया, जिससे यूरोपीय देशों का विदेशी व्यापार और भी कम हो गया, और परिणाम ये हुआ कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। यूरोप में पैसे की कमी से फैक्ट्री और कारखाने धड़ाधड़ बंद होने लगे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने खर्च करना बंद कर दिया था, और बाकी लोग अपने पेट भरने के लिए अपने घर बार बेचने लगे, अपनी जमीन बेचने लगे, और जो कुछ भी बेचने लायक था वो सब कुछ बेचने लगे ज्यादातर लोग। इस इमेज को देखें, ये अमेरिका की तस्वीर है उस दौर की। ये आदमी $100 में अपनी कार बेच रहा था, क्योंकि शेयर बाजार में इनके पैसे जीरो हो गए थे, और जिन लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया था वे अब ऐसी कारों में अपना घर बनाकर रहने लगे, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था वे ऐसी झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। इस कारण अमेरिका में जगह जगह पर ऐसी झोपड़पट्टियां बन गई थी, और इन झोपड़पट्टियों का नाम हूवर विल्ले, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया था, क्योंकि लोगों का यही मानना था कि यह महामंदी इनके कारण ही आई है। फिर 1930 आते आते लोगों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। लोग सड़कों पर रहने लगे थे, लोग कहीं पर भी सो जाते थे, लोग न्यूज़पेपर ओढ़ के सो जाते थे,
अब सोने और रहने की जगह तो लोगों को मिल जाती थी, सड़कों पर, गलियारों में, चौपटपट्टियों में, कहीं पर भी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल पेट भरने की थी। लोगों के पास ना पैसे थे और ना ही रोजगार था, तो पेट भर खाना लोगों को दर दर भटक कर खोजना पड़ता था। लेकिन सभी देशों में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे समय में अपने पास जो होता है वो लोगों में बांट देते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री में खाना मिलता था, लेकिन लोगों की लाइन देखो आप। जहाँ पर भी फ्री में खाना मिलता था वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जिसमें लोगों को सूप और एक ब्रेड दिया जाता था। लेकिन उस समय अमेरिका में एक और मुसीबत टूट पड़ी, इसमें रेत का तूफान है। तो साल 1931 में अमेरिका के 23 राज्यों में कई बार ऐसे बड़े बड़े तूफान आए, और एक बार नहीं बार बार आए, जिससे खेती लायक जमीन पर रेत ही रेत जमा हो गई। इस कारण किसी भी फसल का उगना मुश्किल हो गया, जिससे लाखों किसानों की फसल तो खराब हो गई पर अब उनके पास उगाने के लिए या खाने के लिए कोई अनाज भी नहीं बचा था। इतना भयंकर सूखा पड़ा था अमेरिका में। यानी जो हाल शहर के लोगों का हुआ था वैसा ही हाल इन किसानों का भी हो गया। तो इसके बाद अमेरिकी किसान अपने परिवार के साथ अपने खेत और गांव को छोड़कर शहरों की तरफ रोजगार ढूंढने निकल गए। लेकिन शहरों में पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार थे, तो इन किसानों को कौन रोजगार देगा? इन्हें रोजगार मिलना नामुमकिन था। पर फिर भी लोग जगह जगह पर भटकते थे। अब जब महामंदी शुरू हुई थी 1929 में, तब बेरोजगारी दर 3.2% था, लेकिन 1929 में बेरोजगारी 8.7% हो गई, 1931 में 15.9% हो गई, और 1932 में यह बेरोजगारी दर 23.6% हो गया था। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों की क्या हालत हुई होगी। और 1932 आते आते सभी शेयर की कीमतें 80% गिर गई थी। यानी मान लो जिन शेयर की कीमत 1929 में 300 रुपये थी, उसकी कीमत 1932 में मात्र 60 रुपये रह गई थी। इसके अलावा अमेरिका में निर्माण का काम और यूरोप में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का काम बिल्कुल ठप पड़ गया था। और 1929 में अमेरिका में टोटल 25,000 बैंक थे, उनमें से 11,000 बैंक दिवालिया हो चुके थे। यानी कुछ 40% अमेरिकन बैंक बंद हो चुके थे 1932 तक में। अब ज्यादातर जगहों पर पैसे तो थे नहीं, तो कुछ कुछ जगहों पर पुराने जमाने वाली बार्टर सिस्टम भी शुरू हो गई थी। यानी चीजों के बदले चीजें मिलती थी। और उस समय अमेरिका में कुछ 12 करोड़ आबादी थी, जिसमें से कुछ 1,50,00,000 लोगों का रोजगार इस महामंदी ने छीन लिया था। यानी काम करने वाले कुछ 25% लोग बेरोजगार थे 1933 तक में। इस कारण अमेरिकन लोग इस तरह से पोस्टर लेकर घूमते थे कि कोई हमें रोजगार दे दो जिससे हम अपने परिवार को खाना खिला सके। इसके अलावा अगर हम दुनिया की बात करें तो जर्मनी, कनाडा और ब्राजील की हालत अमेरिका से भी ज्यादा खराब थी। और दुनिया के कुछ कुछ देशों में 33% तक बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। कई देशों की करेंसी इतनी ज्यादा गिर गई थी कि कोई चीज खरीदने के लिए लोगों को गाड़ी भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। यह उस समय जर्मनी की तस्वीर है। जर्मनी में सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोगों को इतने सारे पैसे ले जाने पड़ते थे। यानी पैसों की कीमत धूल के बराबर हो गई थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे पैसों के बंडल से खेला करते थे उस दौर में। इसके अलावा ब्राजील जैसे देशों में किसानों की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने अपने अनाजों को जला दिया था, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं था। क्योंकि अमेरिका ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, इस कारण 1933 में दुनिया का व्यापार सिर्फ 1/3 रह गया था, जिससे दुनिया के कई देशों के किसानों की हालत बदतर से बदतर हो गई थी, क्योंकि उस समय ज्यादातर व्यापार अनाजों का ही तो होता था। तो कुल मिलाकर 1933 तक में लगभग पूरी दुनिया की हालत खराब हो चुकी थी। कई देशों में लोग अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने हजारों लोग आंदोलन कर रहे थे। और फिर 1933 में अमेरिका में इलेक्शन हुए, जिसमें रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इन्होंने लोगों से वादा किया था कि अगर मैं जीता तो अमेरिका को इस महामंदी से उभार लूंगा। और इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही अपना काम भी शुरू कर दिया। इस काम को इतिहास में न्यू डील प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम, अमेरिकन शेयर बाजार, अमेरिकन बिजनेस को लेकर इन्होंने तरह तरह के बिल पास किए। इसके अलावा रूजवेल्ट ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अब हमने बैंकों में नियम कानून बना दिए हैं, तो आप लोग अपने सेविंग को बैंकों में जमा करो। तो जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने बैंक में अपने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। और शेयर बाजार में नियम कानून बनने से अब लोगों ने धीरे धीरे शेयर बाजार में भी निवेश करना शुरू किया। अब अमेरिका को हर साल सूखे का सामना करना पड़ता था,
इस कारण रूजवेल्ट ने एक अभियान शुरू किया अमेरिका में जगह जगह पर पेड़ लगाने का। इसमें भी कई लोगों को रोजगार दिया गया। तो इस तरह से सरकार द्वारा रोड के काम शुरू हुए, खदानों के काम, बड़े बड़े डैम, टनल और कोयले के काम जैसे कई अभियान शुरू हुए। इस कारण अमेरिका में जो बेरोजगारी दर 25% था वो रूजवेल्ट के आने के एक साल बाद 21% पर आ गया था। दूसरी ओर अमेरिकन बैंकों का काम अब सुधरने लगा था। अब शेयर बाजार में निवेश के लिए किसी को लोन नहीं मिलती थी और बाकी लोन भी पूरे कागज के बाद ही मिलती थी। और इन सब सुधार के कारण 1934 के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट भी ऊपर उठने लगा, क्योंकि इसमें भी नियम कानून बना दिए थे सरकार ने। यानी 1934 के बाद अब स्थिति सुधरने लगी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी अभी जरूरत थी। और उस तरफ यूरोप का स्वीडन देश दुनिया का पहला देश बना जो इस महामंदी से सबसे पहले उभरा था। खैर, तो इस तरफ रूजवेल्ट सरकार ने और भी बहुत सारे बिल पास किए अमेरिका में, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। और रोरिंग ट्वेंटीज में जो टैक्स घटाकर 25% कर दिया गया था, उसे फिर से बढ़ाकर 79% कर दिया गया, ताकि सरकार की तिजोरी अब दोबारा खाली ना हो। कुल मिलाकर अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। 1936 में बेरोजगारी घटकर 16.9% पर और 1936 में 14.3% पर बेरोजगारी दर आ गया था। लेकिन अभी भी यह बहुत ज्यादा था, क्योंकि महामंदी से पहले अमेरिका में बेरोजगारी दर 4% से भी नीचे था। लेकिन इसके बाद 1939 में यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध शुरू हुआ तो हथियारों की जरूरत तो पड़ेगी, तो यूरोपीय देशों ने हथियारों के साथ साथ सभी तरीके के माल सामान मंगवाने शुरू किए अमेरिका से, जिसके बाद अमेरिका ने पीछे मुड़के नहीं देखा। हजारों बंद पड़ी फैक्ट्रियां फिर से खुली अमेरिका में, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। युद्ध के कारण फिर से दुनिया में अनाज की डिमांड बढ़ी। इस कारण अमेरिका में किसानों की हालत अपने आप ही सुधरने लगी। बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हुआ। इस कारण लाखों युवाओं को सेना में नौकरी मिली। यानी कुल मिलाकर 1939 से लेकर 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका में हथियार और माल सामान का जो उत्पादन हुआ, इस पीरियड में जो इकोनॉमिक बूम अमेरिका में आया था, वैसा बूम अमेरिका ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा था। तभी तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना था। और अगर आपको दूसरे विश्व युद्ध के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने दूसरे विश्व युद्ध का पूरा इतिहास कवर किया है। असल में दूसरा विश्व युद्ध हमारे इतिहास की एक दुखद घटना थी, लेकिन वही वो घटना थी जिसने दुनिया भर को इस महामंदी से उबारा था। तो इस तरह से महामंदी का अंत हुआ था। अब बात करते हैं कि इस महामंदी का हमारे भारत पर क्या असर पड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में हमारा भारत कच्चे माल के निर्यात करता था दुनिया को और तैयार माल की आयात करता था। तो इस महामंदी ने भारतीय व्यापार को तुरंत प्रभावित किया, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन यानी अंग्रेजों को इस महामंदी ने बहुत हद तक प्रभावित किया था, जिसके चलते उन्होंने अपने इस महामंदी में हुए नुकसान की भरपाई भारतीय लोगों से करना शुरू कर दी। इसके लिए अंग्रेज भारतीय लोगों से अजीब और गरीब कर मांगने लगे, जिस कारण 1929 से लेकर 1934 के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया था। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो भारत में भी कच्चे माल की कीमतें नीचे आ गई, और इस दौर में भारत में गेहूं की कीमत 50% नीचे गिर गई थी। अब इस महामंदी का असर भारतीय शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों पर ज्यादा हुआ था, क्योंकि कृषि उत्पादन की कीमत तेजी से नीचे गिरी और ऊपर से तब अंग्रेज सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे सबसे बुरी मार उन भारतीय काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। जैसे बंगाल में किसान कच्चा पटसन या जूट उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। तो जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमत में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। तब जिन काश्तकारों ने बेहतर आमदनी के लिए या अपनी उपज बढ़ाने के लिए कर्ज ले लिया था, उनकी हालत काफी खराब हो गई। वे दिन ब दिन कर्ज में डूबते गए और उनकी सारी बचत खत्म हो चुकी थी, और अब उनकी जमीन भी ब्याजखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। इनके घर में जो भी गहने जेवर थे वे भी बिक चुके थे, और ऐसे ही हालत भारत के ज्यादातर किसानों की हो गई थी। इस कारण महामंदी के दौरान भारत कीमती धातुओं खासकर गोल्ड का निर्यात करने लगा। तभी तो दुनिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय गोल्ड के निर्यात से दुनिया की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली थी। लेकिन इस निर्यात से ब्रिटेन के आर्थिक दशा में तो काफी सुधार हुआ, लेकिन भारतीय किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ था। यानी
ग्रामीण भारत में काफी असंतोष और उथल पुथल देखा गया था इस महामंदी में, लेकिन शहरी भारत के लिए यह महामंदी इतनी दुखदायी नहीं थी। अब बात करते हैं कि इस महामंदी से दुनिया में क्या क्या प्रमुख परिवर्तन आए थे। तो पहला परिवर्तन साम्यवाद के प्रति रुझान बढ़ा। उस समय सोवियत संघ यानी USSR एक साम्यवादी देश था, जैसे आज रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया है वैसे ही। तो इस कारण सोवियत संघ ने खुद को पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था से अलग कर लिया था। इस कारण सोवियत संघ से कोई भी पूंजीवादी देश किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखना चाहते थे। इसका बहुत बड़ा फायदा सोवियत संघ को मिला, क्योंकि वह इस महामंदी के दौर से खुद को बचाने में कामयाब रहा और उनके इस कदम ने पूंजीवादी देशों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया, क्योंकि सोवियत संघ में पूरी तरह से औद्योगिक विस्तार बढ़ना शुरू हो गया था। दूसरा परिवर्तन फासीवाद को बढ़ावा मिला। इस महामंदी के दौरान बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सत्ता में बैठे नेताओं के खिलाफ ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनके इस खराब स्थिति के जिम्मेदार पूरी तरह से उनके पूंजीवादी नेता ही है। यानी मुख्य रूप से फांसीवाद को बढ़ावा देने का काम भी इस महामंदी के दौरान ही हुआ था। इस कारण कई देशों के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो सत्ता में थे उन्हें इस महामंदी की वजह से सत्ता से हटा दिया गया। जैसे जर्मनी में इस महामंदी की वजह से ही हिटलर सत्ता में आ गया। वहीं जापान में हिदेकी तोजो ने चीन में अवैध तरीके से घुसपैठ कर मंचूरिया में खदानों का विकास यह कहकर किया कि इससे आर्थिक महामंदी को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। अगला परिवर्तन था हथियारों की अर्थव्यवस्था का उदय। इस बारे में हमने काफी कुछ जाना कि अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका हथियार बनाना चुना। उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए और बाकी देशों में सैन्य बल का प्रचार किया। इस प्रचार के चलते अमेरिका के कई सारे लोगों को नौकरियां भी मिली और वहां के उत्पादन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस कारण अमेरिका जल्द ही इस महामंदी के प्रभाव से निकलने में सक्षम रहा था। तो अमेरिका को देखने के बाद कई देशों ने इसी रास्ते से भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, यानी हथियार बनाकर छोटे देशों को बेचना शुरू कर दिया। अगला और आखिरी प्रमुख परिवर्तन पूंजीवाद मजबूत हुआ। महामंदी के दौरान लोगों को पूंजीवाद से नफरत हो गई थी, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद मार्शल लॉ के नियम अनुसार अमेरिका ने पश्चिमी देशों को मजबूत बनाने की योजना बनाई। विश्व युद्ध से प्रताड़ित देशों का पुनः निर्माण करने के लिए अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इसे आप योगदान कहें या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, वो आप खुद तय करना। क्योंकि अमेरिका का असली मकसद सोवियत संघ के साम्यवाद के संभावित विस्तार को पूरी तरह से रोक देना था, जिसके लिए यूरोपीय देशों को अमेरिका द्वारा $17 अरब की सहायता प्रदान की गई थी, जिसके बाद लोगों को पूंजीवाद पर फिर से भरोसा बैठ गया। इसके अलावा इस इमेज को देखें, यह जॉन केन्स। इनके सिद्धांत और मॉडल पर स्वीडन सबसे पहले इस महामंदी से उभरा था। इस कारण इस महामंदी के बाद इनका बनाया कीनेसियन इकोनॉमिक्स का काफी प्रचार हुआ था दुनिया भर में। इसके अलावा ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई थी और इस वीडियो में मैंने आपको जितना बताया उसमें बहुत कुछ छूट गया होगा। तो आपको कुछ ऐसा पता हो जो इस वीडियो में मैंने ना बताया हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि दूसरे लोग भी इस बारे में जान सके। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।